राम राम सभी ने बायोग्राफी नींद चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन की बायोग्राफी के बारे में। भारतीय फिल्म अभिनेत्री और 1994 में जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही थी। उनका बॉलीवुड में करियर काफ़ी शानदार रहा है। वे भारत की पॉपुलर और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज में एक मानी जाती हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। 2 बार जो फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है इनको। भारत सरकार की ओर से 2009 में पद्मश्री और 2012 में फ्रांस सरकार की ओर से और ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स से सम्मानित किया जा चुका है। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती हैं। कॉलेज के दौरान ही ऐश्वर्या राय ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट तैयार किए थे। इसके बाद वे कई टीवी विज्ञापनों में भी दिखाई दी। बाद में वे मिस इंडिया की प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें वे जो है दूसरे स्थान पर रही। 1994 में उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। इसके बाद उन्हें फिल्मों के जो है काफ़ी ऑफर मिलने लगे। अभिनय की शुरुआत उन्हें तमिल फिल्म इरुवर्ष की उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। उनकी पहली फिल्म सफल फिल्म जींस रही। इसके बाद उन्हें बड़े पैमाने पर जो है फिल्में मिलने लगी। जब संजय लीला भंसाली ने उन्हें हम दिल दे चुके सनम और देवदास में पारो का रोल दिया। उनकी फिल्म धूम 2 और जोधा अकबर ने देश विदेशों में भी काफ़ी अच्छा कारोबार किया। इन फिल्मों में उनकी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ी काफ़ी पसंद की गई। इस दौरान जो है ऋतिक के साथ धूम 2 में फिल्माए गए किसिंग सीन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। खबरें ऐसी भी आई कि अभिषेक बच्चन इससे काफ़ी नाराज भी हुए थे। फिल्म रेनकोट और गुजारिश में भी उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। ऐश्वर्या राय का जन्म जो है मंगलोर कर्नाटक में हुआ। उसके पिता जो है कृष्णराज समुद्री जीव वैज्ञानिक थे। उसकी माँ का नाम वृंदा है जो कि एक गृहिणी है। उनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम आदित्य राय है और वे मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। वे ऐश्वर्या की फिल्म दिल का रिश्ता के जो है सह निर्माता भी थे। पढ़ाई जो है उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया जहां ऐश्वर्या ने आर्यविद्या मंदिर हाई स्कूल से जो है पढ़ाई की। 12वीं की पढ़ाई के बाद जो है जैन कॉलेज से उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई की। उन्होंने HSCC परीक्षा में जो है 90% अंक लेकर आए थे। वो बचपन से 5 साल तक उन्होंने क्लासिकल डांस और संगीत की ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने शादी जो है अभिषेक बच्चन से की जिनके एक बच्ची भी आराध्या भी है। हाई प्रोफाइल शादियों में से केवल गिने चुने लोग ही थे। 1997 में आई फिल्म इरुवर्ष जो इन्होंने डेब्यू किया था। आवाज़ किसी अन्य ने दी थी उनकी और ये फिल्म सफल रही थी। उनके हीरो जो है फिल्म और प्यार हो गया में बॉबी देओल थी। फिल्म कास्ट सफल नहीं हुई। 1999 में आई फिल्म जो है उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित रही। इसके बाद जो फिल्म ताल भी की उन्होंने जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हम दिल दे चुके सनम के बाद जो संजय लीला भंसाली ने उन्हें देवदास में काम दिया। 2002 में वे कांस फिल्मोत्सव में भी दिखाई दी थी। भारत में इस फिल्म को 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे जिसमें से ऐश्वर्या को दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड में शामिल किया गया था। इसके बाद जो है दिल का रिश्ता कुछ न कहो कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद फिल्म आई खाकी के दौरान जो है इनको एक चलती गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। 2005 में जो उनकी फिल्म आई गुंटी गोबली जिन्हें एक कजरारी कजरारी सॉन्ग काफ़ी हिट हुआ। उमराव जान भी इनकी कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद 2 रिलीज हुई जिसमें काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म रावण में जो है उनका भी नया
बेहतर था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल पाई। फिल्म नाथ सलपाणी का दोष एडिटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया। 2010 में इनकी आखिरी फिल्म थी गुजारिश, में ऋतिक रोशन के साथ दिखाई दी थी। प्रसिद्ध फिल्में जो आपको बता दी, आने वाली फिल्में जो है ऐ दिल हम मुश्किल में नजर आई थी रणबीर कपूर के साथ। सलमान खान के अफेयर के बाद विवाद शुरू हुआ था। 1999 में सलमान ने जो है एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, लेकिन 2001 में दोनों अलग हो गए। ऐश्वर्या ने उन पर आरोप लगाया कि सलमान ने उन्हें गालियां दी और यहां तक कि उन पर हाथ भी उठाया, उन्हें हर प्रकार से जो टॉर्चर किया। 2009 में छपे एक लेख में सलमान ने साफ किया कि उन्होंने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। यही थी आज की वीडियो में जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए अपने चैनल को।